जब भी कोई बॉल होती तो पहले ही वो फील्डर उनके कैच मांग रहे होते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है, आप खैर खैरियत से? मालिक यार, जो कल मैच हुआ है ना, जी जी, मतलब बड़ा कमाल का मैच हो गया। ऐसे मैच जो हम देख रहे थे कि आए वो आ रहे हैं मैच, कैसे मैच है। रिसेंटली भी जो दो मैच हुए हैं उसी तरह ये भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। और सबसे यार एक ना मुझे थोड़ी सी लगी कि चेन्नई में जो धोनी और जडेजा है ये फिनिश नहीं कर पाए थे। 200वां मैच था धोनी का एज अ मतलब कैप्टन जो चेन्नई में, चार बार ये चेन्नई को टाइटल जितवा चुके हैं, 11 बार ये प्लेऑफ खेल चुके हैं, इससे मुतलिक बार इन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स अपने बनाए हुए हैं। आज जो पहली बैटिंग हुई मतलब की तरफ से रॉयल राजस्थान की तरफ से, तो वो मतलब जॉस बटलर और सिर्फ इसका क्या नाम है पेडिकल, ये दो प्लेयर थे जिन्होंने कुछ पार्टनरशिप लगाई। और फिर पीछे से अश्विन ने आके 30 और शिमरन हेडमेयर ने आके 30 स्कोर बनाया। और मतलब मिली जुली कंट्रीब्यूशन थी छोटी छोटी सी ना, एक बटलर भी जब 50 बनाई तो उन्होंने एक मतलब अच्छी बॉल पे जो है ना वो मोइन अली की बॉल पे बोल्ड हो गए। तो तकरीबन इनके भी रेट्स स्ट्राइक रेट अच्छे रहे, जितने भी प्लेयर आए हैं एक दो प्लेयर सिर्फ ऐसे ही गए हैं जीरो पे। आप देखिए ना तकरीबन शिमरन हेडमेयर की जो थी ना एक बैटिंग उसमें 166 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्कोर बनाया, बाकी तकरीबन 125 144 और इतनी की मतलब वो राजस्थान। अभी देखे ना अभी अगर आप इनकी मतलब बैटिंग लाइनिंग में देखें, संजू सैमसन ये आपको पहले बताया था कि बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन कैप्टन एज अ कैप्टन बहुत अच्छे हैं। मतलब आज इनकी हो रहे हैं थोड़े से दो मैचों में ये जीरो पे आउट हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कौन है? इनके पीछे कुमार संगकारा है जी, मतलब वो लगते भी बिल्कुल उनकी तरह ही है जी, तो अच्छे मतलब जो मतलब इनको चाहिए या थोड़ा परफॉर्म करना चाहिए दूसरे मैच से। लेकिन मैं कहता हूँ कि चेन्नई की बैटिंग लाइन को जिस तरह से बंदे ने रोका है, अच्छा कमाल के, मतलब यार अगर आप ये तो बात है, जब वो दूसरी टीम आई तो उन्होंने शुरू से ही बूस्ट थे, लेकिन आप अगर न्यूजीलैंड के ओपनर डेविड कनवे उन्होंने कितनी अच्छी इनिंग्स खेली है, जिनके रिहाने अच्छे है, उसके बाद शिवन डिप, लेकिन उसके बाद तो ऐसे ही कैच हुए जैसे तो अंबती रायडो हो गए, मतलब रविंद्र जडेजा एम एस दोषी बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप थी। अब शुरू से इन्होंने कुछ स्कोर किया लेकिन उसके बाद मतलब जो एक डेविड कॉर्नर की अच्छी इनिंग थी, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं थी कि बाद 50 के बाद वो भी एक शॉट लगा के आउट हो गए। और यहाँ पे ना आप लोग सबसे ज्यादा क्रेडिट देने चाहेंगे राजस्थान की जो फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग है यार, जब भी कोई बॉल होती तो पहले ही बहुत फील्डर उनके कैच मांग रहे होते थे। जो कैचिंग की है ना आज राजस्थान ने, ये ना आउट क्लास है, ये ऐसी टीम है जिस तरह पाकिस्तान में क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऊपर बढ़ते हैं। और आज आप देख रहे हैं मतलब आखिरी ओवर 21 रह गए थे, 3 स्कोर मतलब रह गए, धोनी ने तो ऐसे ही शॉट पे 3 स्कोर रहते थे और बड़ा टाइट लेके आए मैच को, लेकिन मिस हो गया थोड़ा सा जो है चेन्नई हमारी, मतलब ऑनेस्टली मेरी तो बड़ी फेवरेट टीम थी। बस यार लास्ट बॉल में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे PSL में दिल कमाते हैं ऐसे ही IPL में दिल कमाते हैं, अभी ऐसे मैच बनाए हैं जैसे मजा देखे ना मेरा, मुझे तो इस चीज पे अभी यकीन लगेगा राजस्थान जो है ना फेवरेट टीम है। आपको पता है कि 2008 में राजस्थान को जो जो जितवाया था IPL सुरेंद्र वीर ने जिताया था, पहले गए थे पहले ही पाकिस्तानी प्लेयर ने उनको पहला राजस्थान को ये ट्रॉफी उठवाई थी। अच्छा यार ये मतलब ना राजस्थान की टीम आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आती है, अब देखिए 4 में से 3 सब टॉप पे बैठी है, लखनऊ उसके बाद 4 वो भी 3 पे, इसके बाद अभी अगर आप चेन्नई पे आ जाए तो चेन्नई 4 में से 2 जीती है। तो अभी जो है ना मसला जो पेश आ रहा है वो दिल्ली के लिए और सनराइजर्स के लिए और मुंबई RCB दिल्ली तो बिल्कुल लास्ट पे है, दिल्ली को तो मतलब उसको उम्मीद है कि वो मैं जीत जाऊं, तो ऐसी लग हालात नहीं रहे ऐसे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो लेकिन जो मैच था ना बहुत इंटरेस्टिंग, अनबिलीवेबल और कमाल का मैच था यार, 10 बॉलों पे 28-30 रन बहुत मायने रखते हैं आज भी, बिल्कुल ऐसी बात है। और आज जो सिंगल मैच है पंजाब का और गुजरात का, अच्छी टीमें हैं, तो पंजाब फेवरेट है भैया, आपकी पता नहीं कौन सी फेवरेट है, आप ये इनके लिए मुखालिफी चल रहे हैं तो देखते हैं यार। बाकी जो है ना आप अपने कमेंट बॉक्स में बताया करें नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर वीडियो हमारी सजेशन देना हो तो आप बता सकते हैं, हमारी अच्छी वीडियोस आप तक जाती हैं पहुंचती हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, आपके व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।